हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ नीतू सिंह, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशंस को, जो कि टॉपिक है 12th क्लास फिजिक्स पार्ट 2 चैप्टर 1 का। जैसा हमने लास्ट वीडियो में कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, और अब हम पढ़ रहे हैं उसके एप्लीकेशंस, जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल 6.1 ऑफ एनसीईआरटी। Consider three charges Q1, Q2 and Q3 each equal to Q placed at the vertices of an equilateral triangle. मैं यहाँ पर एक equilateral triangle draw कर देती हूँ, right? जिसमें हमने Q1, Q2 and Q3 charges रखे। अब क्योंकि तीनों ही charges equals to Q हैं, तो हमें इन्हें अलग से नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है, सबकी वैल्यू क्यू है। ट्राइंगल को नाम देते हैं ए बी एंड देन सी। ट्राइंगल की साइड है एल, ईच साइड इज एल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस एट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहां पर होगा? जहां पर तीनों मीडियंस ट्राइंगल की मीट करेंगी। ले सपोज इस पॉइंट को मैं नाम ओ दे रही हूं, यहां पर एक कैपिटल चार्ज क्यू रखा हुआ है और इसी पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, राइट? अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए लेट सपोज यहां पर ये चार्ज है, ये चार्ज है, इन दोनों के बीच में मैं अगर फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या होगा? F1 is equals to K Q capital Q upon में AO का square AO direction में, यही होगा F1 K Q1 Q2 upon R square से। यहां पर R कितना है? AO। और क्योंकि charges identical हैं और ये एक equilateral triangle है, इसलिए हमें पता है कि AO equals to CO equals to BO, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, यानी कि F1 बराबर होगा F2 के और बराबर होगा F3 के। अगर हम डायग्राम में इनकी डायरेक्शंस को ड्रॉ करना चाहें तो इस चार्ज की वजह से, Q2 की वजह से फोर्स कहाँ लग रहा होगा? यहाँ, लेट्स से इसको नाम दिया है F2। Q3 की वजह से फोर्स कहाँ लग रहा होगा? यहाँ, लेट्स से इसको नाम दिया F3। और Q1 की वजह से फोर्स कहाँ लग रहा होगा? यहाँ, F1। तो Q पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3। हमें क्या करना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके इन तीनों का नेट फोर्स निकालना है Q पे। तो सुपरपोजिशन तो हम तब लगाएंगे जब हमें इनकी वैल्यू बताओ। वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए? हमने फॉर्मूला लगाया, हमें ये तो पता है कि तीनों की वैल्यू सेम आएगी, बट वो उसके लिए हमें क्या चाहिए? AO। तो लेट्स फाइंड AO। इसमें से, इस पूरे डायग्राम में से मैं थोड़ा सा पार्ट एक रिकंसर्ट करके अलग निकाल रही हूँ। पहले तो हम A से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, जो BC को जहाँ कट करेगा उसको हम D नाम दे देते हैं। अब मैं इस डायग्राम में से ए डी सी ट्राइंगल को अलग निकाल रही हूं। ए डी सी पार्ट को मैंने अलग निकाल लिया है और इसी ए डी पार्ट पे बीच में है पॉइंट ओ, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा है कि मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है। उसके अलावा ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो दिस इज 60 डिग्री। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स एल है, तो ये ए सी भी एल है एंड डी सी इज एल बाय टू। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है डी, राइट? अब इसमें हम अपना 10th का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर हमें निकालना है, AD निकालना है ना हमें,
और हाइपोटेन्यूस हमें पता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कितना है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन एल। साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर हम पुट करें साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन एल, साइन 60 डिग्री की अगर हम वैल्यू पुट करें तो वो होगी रूट थ्री बाय टू। यहां से ए डी की वैल्यू आई है रूट थ्री बाय टू एल, ठीक है ए डी की वैल्यू आ गई। फाइनली हम एओ की वैल्यू निकालना है। अब यहां पे मैथमेटिक्स का एक और कंसेप्ट यूज होगा, जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, तो उस हिसाब से एओ कितना हो जाएगा, एओ इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ ए डी, ए डी का 2/3 पार्ट, तो एओ इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू एड इज रूट थ्री एल बाय टू, टू से टू कैंसिल, एओ इज इक्वल्स टू ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री एल अपॉन थ्री रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, उस थ्री से ये थ्री कैंसिल, तो एओ हमारे पास कितना आया है एल बाय रूट थ्री। ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने किस लिए किया, एओ निकालने के लिए, और एओ हमारे पास आ गया है एल बाय रूट थ्री, ठीक है। तो हमारा एफ वन कितना हो गया है विच इज इक्वल्स टू एफ टू एंड एफ थ्री इज इक्वल्स टू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एओ का स्क्वायर विच इज एल स्क्वायर एंड रूट थ्री ऊपर चला जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा थ्री। तो हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो सभी फोर्सेस की एकदम सेम आई है, एफ वन इक्वल्स टू एफ टू इक्वल्स टू एफ थ्री इज इक्वल्स टू थ्री के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। अब यहां से ये तो क्लियर हो गया कि तीनों फोर्सेस इक्वल हैं, बट नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स के लिए इनको वेक्टोरियली हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस डायग्राम में आप दूसरा इसमें डायग्राम बना लीजिएगा, मैं इसको मैनिपुलेट कर रही हूं। अब हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इस कंस्ट्रक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है ना इस लेंथ की, क्योंकि वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर तीन फोर्सेस देखने हैं और उनका नेट फोर्स निकालना है। तो ये क्यू जो चार्ज है इस पे ये तीन फोर्स लग रहे हैं, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालती हूं, ये दोनों फोर्स कितने डिग्री पे वर्क कर रहे हैं 120 डिग्री पे। दो वेक्टर्स को ऐड करने का मैंने आपको क्या मेथड बताया था, इन सब की अब हमें जरूरत नहीं है, वैल्यूज आप नोट कर लेंगे। दो वेक्टर्स को ऐड करने का मैंने आपको क्या मेथड बताया था, F2 और F3 का अगर मैं नेट निकाल रही हूं तो F2 और F3 का नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, F1 के मॉड की स्क्वायर, F2 के मॉड की स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, और इनके बीच में है 120 डिग्री का एंगल। तो ये हो जाएगा F 2-3 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये सभी फोर्सेस बराबर है, सबकी जगह एफ लिखा जा सकता है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। एफ 2-3 वेक्टर इज इक्वल्स टू ये 2 एफ स्क्वायर हो जाएगा, 2 एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। एफ 2-3 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2f स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos 120 डिग्री, राइट,
कॉस 120 डिग्री को कैसे लिख सकती हूं मैं, 2 इंटू 60 डिग्री लिख सकती हूं, राइट right? अब यहां पे मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं कॉस 2 थीटा का, तो फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा की जगह पे मैं लिख सकती हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, राइट right? ये कैंसिल, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, और बाहर है 2f की स्क्वायर और इस पूरे का है अंडर रूट एफ 2 3, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट में बचा हमारे पास एफ स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एफ, तो एफ 2 3 कितना हो गया F, यानी कि F2 और F3 का जो रिजल्टेंट आया वो किसके इक्वल आया है, F के रिजल्ट F के इक्वल आया है। अगर हमने वेक्टोरियली इन दोनों को ऐड किया तो इसका रिजल्टेंट जो है वो F के इक्वल आया है, और F1 किसके इक्वल है, F1 भी F के इक्वल है, तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे या नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, तो इसका मतलब Q चार्ज पे नेट चार्ज कितना आया, जीरो, Q पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एक बार समराइज करते हैं इसको, आपने क्या किया, तीन इक्वल चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ड्रॉ किए, उसकी वजह से सेंट्रोइड पे जो चार्ज क्यू था उस पे लगने वाले तीन फोर्स आपने बनाए, क्यू वन की वजह से एफ वन, क्यू टू की वजह से एफ टू, और क्यू थ्री की वजह से एफ थ्री। फिर आपने F1, F2 और F3 की वैल्यू कैलकुलेट की, उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्टेंस OA चाहिए थी जो डायरेक्टली नहीं निकाली जा सकती थी, जिसके लिए आपने AD कंस्ट्रक्ट करके ट्रायंगल में sin थीटा इज इक्वल्स टू B बाय H का फॉर्मूला लगा करके AD कैलकुलेट किया, और वहां से आपने सेंट्रॉइड के रेशियो को लेकर के AO निकाला। सिमेट्री के हिसाब से जो AO था वही BO था वही सीओ था, आपने तीनों फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट टास्क जो था वो इनका इक्विवेलेंट निकालना था, तो उसके लिए हमने पहले कोई भी दो, मैंने F2 और F3 लिए हैं, आप F3 और F1 का रिजल्टेंट ले सकते हैं, वो इधर आएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो इधर आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपने कोई भी दो फोर्सेस चूज किए जिसको आपने वेक्टोरियली एड किया, और वो जो रिजल्टेंट आया वो आपका थर्ड फोर्स के बराबर आया, जो कि 180 डिग्री पे थे, यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, जिसकी वजह से क्यू पे जो नेट फोर्स लगा वो कितना लगा, जीरो। क्लियर है? तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने के लिए मिलेंगे। और क्लैरिटी के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। अगेन आप लोग वेक्टर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर लें, बहुत जल्दी जल्दी और ज्यादा वो हमें यूज करने में आएगा। कूलॉम्स लॉ के तो सारे ही क्वेश्चन वेक्टर एडिशन से ही होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का 1.7, इसमें अगेन एक ट्रायंगल है जिसके एक वर्टिसेस पे माइनस क्यू चार्ज है, दूसरे पे प्लस क्यू, एंड अगेन यहां पर प्लस क्यू, और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिस्टम स्टेबल है, यानी कि मूव करेगा, यानी कि कोई चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, रिपेल होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा इसमें। लेट्स से क्यू वन इस क्यू टू को अपनी तरफ खींचेगा, लेट्स से दिस इज 1, 2, 3, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको नाम दे देते हैं F1 2, इसको नाम दे देते हैं F2 3, 2 पे 1 की वजह से और 2 पे 3 की वजह से, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो
अट्रैक्ट करेगा, ये इस पे लगने वाले फोर्सेस हो गए। इसी तरीके से Q3 पे Q2 की वजह से रिपल्शन का फोर्स लगेगा और Q1 की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। Q1 पे Q2 की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और Q3 की वजह से भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ये तो हमने बेसिक फोर्सेस की डायरेक्शन बना ली है, राइट। Q1 Q2 से भी अट्रैक्ट होगा, Q3 से भी अट्रैक्ट होगा, ये हमने डायरेक्शंस ड्रॉ कर लिए हैं। Q3 इसकी वजह से रिपेल होगा और उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब नेट फोर्सेस क्या होंगे, नेट फोर्सेस इनके ड्रॉ करते हैं हम। इन दोनों का रिजल्टेंट समवेयर यहां होगा, राइट। इसको मैं F1 नाम दे देती हूं क्योंकि वन पे नेट फोर्स है ये। इन दोनों का रिजल्टेंट समवेयर यहां होगा और ये रिजल्टेंट यहां होगा, इसको नाम F2 दे दिया है और इसको नाम F3 दे दिया है, राइट। F2 और F3 बराबर होंगे क्योंकि चार्जेस बराबर हैं। तो लेट सपोज ये F है, राइट। अगर आप इनको एक्सटेंड करें तो ये एंगल कितना होगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसकी वजह से ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो कैसा आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस, एंगल कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, राइट। ये वाला फोर्स मैं निकाल रही हूँ, ये रिजल्टेंट मैं निकाल रही हूँ। किसका रिजल्टेंट निकाल रही हूँ मैं, एफ टू एंड एफ थ्री का रिजल्टेंट मैं निकाल रही हूँ, F2 एंड F3 का रिजल्टेंट। तो उसके लिए F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos थीटा, लेकिन क्योंकि F2 और F3 F के बराबर हैं तो सब जगह हमने F लिख दिया है। तो F2 एंड F3 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे वही मेथड लगा करके, cos 60 डिग्री कॉमन ले लेंगे, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा, वेयर थीटा इज 30 डिग्री, अगेन वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, 1 प्लस 2 cos square 30 degree minus 1 cancel out, cos 30 degree होता है root 3 by 2, तो अगर square करेंगे तो 3 by 4 हो जाएगा, 2f square into 3 by 4 into 2, इस 2 से ये 2 cancel and then ये cancel, तो ये 3f square का under root जो आएगा root 3f। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, रूट थ्री एफ, राइट। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखना है, ये दोनों फोर्सेस भी बराबर है और कितने एंगल पे वर्क कर रहे हैं, 60 डिग्री पे। तो इसका इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, ये दोनों फोर्सेस बराबर थे 60 डिग्री पे वर्क कर रहे थे तो रिजल्टेंट आया रूट थ्री एफ। ये दोनों फोर्सेस भी बराबर है 60 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं तो रिजल्टेंट इसका भी कितना आएगा, रूट थ्री एफ। तो रूट थ्री एफ इधर लग रहा है, रूट थ्री एफ उधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन 180 डिग्री है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस सिस्टम का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इसको नोट कर लिया आपने, समझ लिया, सिस्टम का नेट फोर्स हो जाएगा जीरो,
Hence, net force is equals to zero. इस सिस्टम का नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो. तो जैसा आपने दोनों एग्जांपल में देखा, इंपॉर्टेंट क्या है? वेक्टर एडिशन और फोर्सेस को राइट प्लेसेस पे फिक्स करना. इसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखा है, आपके पास स्क्वायर भी हो सकता है, आपके पास रेक्टेंगल भी हो सकता है. तो ज्योमेट्री की भी थोड़ा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा. जैसे इसमें हमें एक पॉइंट यूज करना पड़ा था कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है. तो ये सारी चीजें अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप मैथ्स के लेक्चर में जाके देख सकते हैं, या आप लिंक में और कमेंट में अगर डालेंगे तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाकर अपलोड कर दूंगी. ठीक है, आगे चलते हैं, बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की. फाइनली वो टर्म जो हमारे चैप्टर के नाम में भी है और जहां से ये चैप्टर का नाम शुरू ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. तो होता ये है कि जैसे अभी तक हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, उसमें हम ये कह रहे थे भाई कोई चार्ज क्यू है, उसके पास कोई दूसरा चार्ज क्यू रखा है, तो उस चार्ज की वजह से उस चार्ज पे फोर्स लग रहा है. ठीक है, अब अगर मैं ये चार्ज यहां से हटा दूं तो इस चार्ज पे फोर्स, तो जब चार्ज ही नहीं है तो फोर्स कहां से लगेगा? तो इसका जो इन्फ्लुएंस है क्या वो इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा? नहीं, इसका इन्फ्लुएंस तो रहेगा ना. तो इस इन्फ्लुएंस को जो किसी चार्ज की वजह से उसके सराउंडिंग में रहता है, जिसकी वजह से इस चार्ज के सराउंडिंग में आने वाले किसी भी चार्ज को फोर्स फील हो, उस इन्फ्लुएंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे जो फोर्स था, फोर्स क्या था? फोर्स था के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अब हम ये कह रहे हैं कि फोर्स में से हमने क्यू हटा दिया, वो चार्ज ही हमने हटा दिया जिसपे फोर्स लगना है. ये चार्ज मैंने हटा दिया जिसपे फोर्स लगना है. तो अब ये टर्म फोर्स तो नहीं है, तो इस टर्म को हम क्या बोल रहे हैं? अगर हमने चार्ज रिमूव कर दिया तो उसके बाद बचे हुए इन्फ्लुएंस को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया? के क्यू बाय आर स्क्वायर. फर्दर इसमें और फोर्स में क्या डिफरेंस हुआ? सिर्फ एक क्यू का ही तो डिफरेंस हुआ. यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्यू लगा दिया जाए, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्यू लगा दिया जाए तो फोर्स के बराबर ही है, राइट? ये इनका रिलेशन हो गया. यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं. वो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? दैट ई इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. ठीक है, ई इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. लेकिन अगर यहां कोई बड़ा चार्ज रहेगा तो वो इसको भी तो इन्फ्लुएंस करेगा, इसके चार्ज को डिस्टर्ब करेगा. तो हम यहाँ ऐसा, क्योंकि हमें इसके इन्फ्लुएंस को स्टडी करना है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ हम इतना छोटा चार्ज लाएं कि उसका इन्फ्लुएंस नेग्लिजिबल हो, उसका इन्फ्लुएंस इसके इन्फ्लुएंस को डिस्टर्ब नहीं करे. तो इसके लिए जो ये टेस्ट चार्ज हम लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि बहुत ही छोटा और नेग्लिजिबल हो. तो इसके लिए हमने एक कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दी कि जो चार्ज हम ले रहे हैं ना, ये नेग्लिजिबल है, दैट इज लिमिट क्यू टेंडिंग्स टू जीरो. बहुत ही छोटा चार्ज है. तो कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखनी है तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय ई. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, राइट? फॉर्मूला दिस
दिस, ये दो फॉर्मूले आप दे सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये फोर्स के टर्म में फॉर्मूला है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने क्या जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय ई, वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला है, अगर हम फोर्स के टर्म्स में बात करें तो ई इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, वेयर चार्ज टेंडिंग्स टू जीरो। क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, लेट्स सी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, दैट इज अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ दिखाई देगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज डाइवर्जेंट इन नेचर, नेचर कैसी है, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रहा है, जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं वैसे ही आपको ये दिखाई देगा, कोई क्लोज लूप नहीं बना रहा है, डाइवर्जेंट इन नेचर। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड वाले का ही एक्सटेंशन, इट डज नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, सेकेंड इट नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को वो कट नहीं कर सकती, ऐसे कभी भी नहीं हो सकती, हमेशा एक दूसरे से दूरी होगी, पास हो सकती है लेकिन कट नहीं करेगी, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड द मोर दे आर क्लोजर the more is the field, जितना ज्यादा ये पास पास होंगी, डेंस होंगी, उतना ज्यादा फील्ड होगा। सो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी, देन ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, एंड ये सिक्स प्रॉपर्टी थी, एंड नाउ सेवन्थ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस as we go away from the charge, right? Obviously बात है, जब जो हमने formula में देखा है, 7 point यहां तक आप इसको hold करके note कर लें, formula क्या था हमारा, E equals to के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ई और आर का क्या रिलेशन है, अगर मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करूं तो ई जो है वो आर यानी डिस्टेंस के साथ स्क्वायर से लूज होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ई आपका ड्रॉप होता जाएगा, यानी हाईएस्ट ई कहां पर होगा, जहां चार्ज है उसके सबसे पास जो है हाईएस्ट ई होगा, उससे अगर आप दूर जाते जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, जिसको वेक्टर की लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर की लेंथ छोटी होती जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है, ये ई और आर में रिलेशन है बाय द फॉर्मूला। ठीक है,
तो आपने क्या इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, कभी भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जितना क्लोजली पैक्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज के पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ड्रॉप होता जाएगा, किस रिलेशन से ड्रॉप होगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से ड्रॉप होगा। ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। नाउ अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं, लेट सपोज चार्जेस क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, तीन चार्जेस रखे हैं और उनकी वजह से किसी पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वन, इसकी वजह से होगा ई टू और इसकी वजह से होगा ई थ्री। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? जस्ट लाइक नेट फोर्स जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाला था, उसी तरीके से यहां पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ई नेट इज इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस हों उनकी वजह से। तो हमारा ई नेट कितना हो जाएगा? ई वन के लिए क्या फॉर्मूला होगा? के क्यू बाय आर वन स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर टू स्क्वायर। ये लेट्स सपोज क्यू वन की वजह से, क्यू टू की वजह से, क्यू थ्री की वजह से एंड सो ऑन। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? के इज कॉन्स्टेंट, अंदर आपका हो जाएगा क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस क्यू थ्री अपॉन आर थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर हम इसे जनरलाइज करें तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या लिख सकते हैं? समेशन क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट। ये हो गया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशंस देखे, देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और अगर एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमने उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके फॉर्मूला डिराइव किया है। जैसे कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन पे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। दो इनका इंपॉर्टेंस उनसे कम है, स्टिल ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशंस के साथ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।